गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्टूडियो चार प्रेजेंट्स ताजा खबर विद हमाद महमूद, कॉन्सेप्ट बाय हेमा खान, ओनली ऑन टीवी चार। सब दोस्तों का स्वागत है, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू फ्रेंड्स। आपका फीडबैक अब तक हमारे जो शोज हैं बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी होती है कि हमारी पूरी टीम आपके लिए नए इश्यूज के साथ, नए जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर आपके सामने आए। आज तीन टॉपिक्स हैं जो हमारे ताजा खबर का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा हिट सीरीज अर्तुगरुल गाज़ी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान बहुत ज्यादा मकबूल हुआ है और उसे पाकिस्तान में पीटीवी ने उसे डब करके, उर्दू में डब करके पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने उसे ऑनर किया है। और उसकी बहुत, अभी ये पहला सीजन है लेकिन बहुत ज्यादा मकबूल हुआ और उसने तकरीबन उसके ऊपर 20 मिलियन व्यूज उसने पहले एपिसोड के लिए, जो उसने रिकॉर्ड इक्वल कर दिया है मेरे पास तुम का। तो उसके ऊपर कुछ आर्टिस्टों के जो है व्यूज आए हैं कि क्या हमें अपना कंटेंट को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो लोकल कंटेंट है हमारे ड्रामा इंडस्ट्री उससे इफेक्ट ना हो। एक टॉपिक तो ये है हमारे पास। एक दूसरा टॉपिक जो हमने आज सेलेक्ट किया है तो रिसेंटली ट्वीट है जावेद अख्तर साहब की, जिसमें वो अजान को उन्होंने कहा है कि अजान लाउड स्पीकर पर बैन कर दी जाएगी। दो साल पहले ये डिबेट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रही जब सोनू निगम जी ने ये स्टेटमेंट दिया, तो उस हवाले से भी आज बात भरपूर बात की जाएगी। एक शो हम पहले भी कर चुके हैं टीवी चार के ऊपर सेम टॉपिक के साथ, लेकिन इसके ऊपर आज हम ज्यादा डिटेल के साथ बात करेंगे। और तीसरा अहम टॉपिक जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो कोरोना वायरस के अपडेट्स हैं, जो सिंध में और पाकिस्तान में केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं और स्पेशली ईद शॉपिंग के हवाले से जिस तरह की हम गफलत और लापरवाही बरत रहे हैं उससे बहुत ज्यादा केसेस के खराब होने का खदशा है पाकिस्तान में। तो जरूर आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताजा खबर को देखने का पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो अर्तुगरुल गाज़ी। अर्तुगरुल गाज़ी एक ऐसा ड्रामा जो टर्किश ड्रामा है जो कि 12th सेंचुरी के बैकग्राउंड में रिकॉर्ड किया गया है, शूट किया गया, और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और इसको इंडिया में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा इस पे व्यूवरशिप गई है। और इस पे आप देख सकते हैं ये पीटीवी ने पाकिस्तान में इसको उर्दू में डब किया, तो इसको पहले ही चार दिनों में इस पर 1.22 मिलियन की जो इसकी व्यूवरशिप इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया गया, जो अपने अंदर एक रिकॉर्ड है। और इसका पहले एपिसोड 20 मिलियन इसकी जो थी वो व्यूइंग ली गई है, जो कि इक्वलाइज करती है मेरे पास तो वो, जो कि बहुत बड़ा हिट ड्रामा था जिसे खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा था ARY के लिए, जो कि बहुत पॉपुलर था हमायूं सईद अदनान सिद्दीकी और आयजा खान बहुत ज्यादा उसमें, हीरा मानी का भी रोल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो वो ड्रामे को इक्वलाइज करती है ये अर्तुगरुल गाज़ी। और मेरे पास तुम हो को 1.5 मिलियन लोगों ने इसका टिकट खरीद कर भी सिनेमा में देखा है, तो ये भी डिबेट अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया, क्या अर्तुगरुल, जब हालात कुछ बेहतर हो जाए तो क्या अर्तुगरुल गाज़ी को सिनेमा में भी इसको अलाउ करना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ आजकल फिल्में कोई रिलीज नहीं हो रही, तो ये भी एक अच्छा आइडिया। और इसकी पॉपुलरिटी से इंस्पायर्ड होकर खलीलुर रहमान कमर साहब भी एक जो आज ही कंफर्म हुई है कि बात की वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा लिख रहे हैं जो के सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पर बेस करेगा, जो ARY डिजिटल से प्रोड्यूस करेगी। और इसमें एक अहम बात है कि हमायूं सईद इसमें टाइटल रोल प्ले करेंगे, ये न्यूज बहुत ज्यादा जो है आज बहुत ज्यादा वायरल हुई है। उसी तनाजुम में शान जो हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं उनका कहना ये है कि हमें अपने लोकल टैलेंट को लेकर, अपने लोकल स्टार्स को प्रमोट करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ कि हम फॉरेन स्टार्स को लेकर अपना ड्रामा हम दिखाएं और अपना एयर टाइम दें। रीमा खान जो कि आज न्यूज के ऊपर एक अपनी रमजान ट्रांसमिशन कर रही है, उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इस हवाले से एक अहमियत का हामिल है, अहमियत इख्तियार करता है कि जिसमें वो कह रही हैं, और बहुत ज्यादा उस पर बैकलैश हुआ, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में गया, बहुत ज्यादा लोगों ने उस मजमून को, उनकी अहमियत को समझे बगैर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बगैर देखे हमने किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने लोकल टैलेंट को और लोकल कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉरेन जो कंटेंट हम लेते हैं, उससे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और हमारा जो लोकल डिस्करेज होगा, जो हमारा लोकल प्रोडक्शन हाउसेज है, जो लोकल टैलेंट है।
हमें सेम यही सिचुएशन का सामना टर्किश ड्रामे और इंडियन ड्रामे आज से कोई 7-8 साल पहले भी यही सिचुएशन हुई थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और जो ऑन एयर जो प्राइम टाइम पर ज्यादा टाइम जो था वो या तो टर्किश ड्रामों को मिल रहा था या इंडियन सोप ओपराज को मिल रहा था जो बहुत पॉपुलर थे। लेकिन इंडियन सोप ओपराज आहिस्ता आहिस्ता फिर हम दोबारा हमने कम बैक किया। इंडियन ड्रामे तो पाकिस्तान में बैन है लेकिन टर्किश ड्रामों से हमने बहुत अच्छा कॉम्पीट किया और हमारे ड्रामे बहुत ज्यादा हिट हुए, हमारा कॉन्टेंट बहुत ज्यादा अच्छा था टूवर्ड्स रियलिटी बेस्ड था और हमारे कई ड्रामे जैसे मेरे पास तुम है, अलिफ है और इस तरह के रुसवाई ड्रामा है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, बहुत ज्यादा मकबूल हुए थे। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि मेरे पास तुम हो की जो जो था उसने सिनेमा में दिखाया गया ड्रामा और बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। लेकिन अब ये उर्तुगल गाजी ने अभी पहली एपिसोड में और फर्स्ट सीजन है और इसके समय और सीजन भी आ रहे हैं तो इसने पहले में इतना ज्यादा यानी 2 मिलियन व्यूज ये ले चुकी है ये पहली एपिसोड ही। तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर इसे सिनेमा पे रिलीज करें तो मेरे पास तो मुझसे ज्यादा बड़ा हिट साबित होगा। लेकिन उसने ये है कि उसने हमारे वो यहाँ से बेनिफिट तो होगा वो, लेकिन उसमें हमें कोई ऐसा क्योंकि हमारे सिर्फ आर्टिस्ट ही उस पर डबिंग में लिए गए हैं, हमारे लोकल टैलेंट को उसमें उतना फायदा नहीं होगा या लोकल प्रोडक्शन हाउसेस को फायदा नहीं होगा क्योंकि ये बाहर का कंटेंट है और बाहर का कंटेंट यहाँ आकर ये एक अच्छी बात है कि वेलकम हो रहा है लेकिन हमारा कंटेंट भी इसी तरह टर्की में चलना चाहिए। तो हमें बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा बैकलैश किया गया, कॉन्ट्रोवर्सी इख्तियार की गई उस पर। अब देखिए उससे इंस्पायर्ड होकर अब जो है ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल ड्रामों की भी एक दौड़ शुरू हो जाएगी, जैसे कि अभी आजकल खलीलुर रहमान कमर साहब के भी ड्रामे के हवाले से खबर चल रही है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पर वो ड्रामा बना रहे हैं। तो इस तरह एक ट्रेंड, एक अच्छा ट्रेंड फॉलो हो रहा है अगर हमारे प्रोडक्शन हाउसेज या हमारे कंटेंट को उसमें फर्क ना पड़े। लेकिन अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, अब हम क्या कर सकते, हम जो है हम बैन तो नहीं कर सकते, हम इंडियन ड्रामा भी हमारे यहाँ चलना चाहिए कि हम कॉम्पीट करें और जो बेहतर चीज होगी लोग उसको पसंद करेंगे। अगर वो टीवी पे नहीं चलेगा तो यूट्यूब के ऊपर जाकर देख लेंगे, व्यूअरशिप उधर ज्यादा ले लेंगे। लेकिन हमें उनके साथ कॉम्पीट जरूर करना चाहिए, सीखना जरूर चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजूहत थे कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे की पॉपुलैरिटी में उसका स्क्रिप्ट शामिल था, उसकी लोकेशन शामिल थी, उसकी एक्टिंग शामिल थी। अच्छा मैं उसमें एक बात ये चल रही हूँ कि हम बहुत ज्यादा हद से आगे गुजर जाते हैं। उसकी जो अभी जो लीड एक्ट्रेस जिन्होंने उसमें टाइटल रोल प्ले किया था लीमा सुल्तान का, तो उनकी एक कुछ पिक्चर्स अभी जो कि वो बिकनी पिक्चर्स उन्होंने बीच पर जो बोल्ड पिक्चर्स देखी उसके ऊपर इस कदर क्रिटिसिज्म किया कि भाई आप ड्रामो में तो और तरह के आपका कैरेक्टर इस्लामिक ट्रेडिशन का होता है और आप इस तरह अब अपने रियल लाइफ में कर रहे हैं। तो हमने वो उस पर बहुत ज्यादा, प्रियंका चोपड़ा जी ने भी उनकी सपोर्ट की और बहुत ज्यादा बैकलैश और कॉन्ट्रोवर्सी तैयार की गई। तो हम बहुत ज्यादा जो हद से आगे गुजर जाते हैं, हमें कम से कम अपने रवैयों को भी सोचकर समझने की जरूरत है और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल में ये फिर अहमियत अख्तियार करेगी कि आया उर्तुगल गाजी को जो है उर्तुगल गाजी को सिनेमा के ऊपर भी दिखाना जाना चाहिए कि नहीं। और ये डिबेट जरूर हमें सवाल करने चाहिए, बोलना चाहिए कि हम किस तरह फॉरेन कंटेंट का मुकाबला कर सकते हैं। उसे बैन करके, बैन करना तो कोई हल नहीं है, एक बेहतर हालात के लिए, एक फजामंद हालात के लिए जरूर हमें कॉम्पीट, दुनिया से कॉम्पीट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उनके ड्रामों को जरूर पाकिस्तान में ऑन एयर करें लेकिन उन्हें प्राइम टाइम ना दें, प्राइम टाइम हम अपने ड्रामों को दें क्योंकि हमारे तो ड्रामे वहां नहीं चलते। तो हमें प्राइम टाइम अपने ही कंटेंट को देना चाहिए, अपने लोकल कंटेंट को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन हाउसेस को डिस्करेज नहीं करना चाहिए और ऐसी चीजें और जरूर ऐसे टॉपिक्स को ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे ऑडियंस की जो एंटरटेनमेंट नीड है वो डे टू डे बदलती रहती है, हम एक ही तरह की जब चीज दिखा, अगर मेरे पास तो हिट हो गया था अगर हम वही चीज दोबारा बार बार दिखाते रहेंगे तो वो आखिर में रिजेक्ट ही हो जानी है। हमें ऐसे कॉन्सेप्ट, हमें ज्यादा बेटर स्क्रिप्ट की ड्रामे में भी बहुत ज्यादा जरूरत है और फिल्म में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का पहला एपिसोड होगा जिसमें तो अब एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली बार ये डिबेट हो रही है कि हमें किस तरह फॉरेन कंटेंट को कॉम्पीट करना है और हमें अपने लोकल टैलेंट को भी जो है इग्नोर नहीं करना और उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं ऐसा। और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत हमारे ड्रामा में भी है और हमारे फिल्म में भी है और ये एक बहुत ही हेल्दी डिबेट है।
और हमें जरूर ऐसे, और अब ये टाइम आ गया कि हमें देखना चाहिए कि हमारी एंटरटेनमेंट नीड क्या है, जो हमारी ऑडियंस की वो क्या है, वो डेली बदलती रहती है, और एक जैसे जैसे स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए, हमें वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स भी चाहिए ड्रामा के अंदर. ये एक अहम इशू है आजकल. उम्मीद है कि ये ड्रामा और बहुत ज्यादा हिट होगा और एक नई माइलस्टोन अचीव करेगा. एक और टॉपिक जो बहुत ज्यादा अहम है, जो मैं आज मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा, वो जावेद अख्तर साहब की एक ट्वीट बहुत ज्यादा सर्कुलेट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर पे अजान पर पाबंदी लगा देनी चाहिए. इसका बैकग्राउंड क्या है फ्रेंड्स? इसका बैकग्राउंड ये है कि 2 साल पहले एक ऐसी डिबेट इंडियन मीडिया के ऊपर आई थी, जिसमें सोनू निगम जी ने ऐसे कहा था कि जब हम वापस जाते हैं अपने रिकॉर्डिंग से वापस घर जाते हैं, तो एक मसाजिद में फिर दूसरे फिर और मसाजिद के अंदर जो है लाउड स्पीकर के ऊपर अजानें दी जाती हैं, जिससे बहुत ज्यादा मुझे क्या कहते हैं कि मैं सो नहीं सकता, इनकन्वीनियंस सी होती है. उसके बाद ये डिबेट जो थी उसके ऊपर डिबेट चली, और इस पर जावेद अख्तर साहब ने भी उनका भरपूर साथ दिया सोनू निगम साहब का. इसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश हुई, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और अब भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोवर्सी दोबारा डेवलप हो रही है. उनकी सोच को एक लिबरल सोच समझा जाता है. जावेद अख्तर साहब एक प्रोमिनेंट राइटर जिनके क्रेडिट पे शोले, जंजीर, दीवार और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं. एज अ पोएट, एज अ शायर के तौर पर बहुत बड़ा कल होना हो, फिर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा संदेश से आते हैं हॉरर फिल्म का, उस गीत को कौन भूल सकता है. और तो जावेद अख्तर साहब की ये बात, ये सोच इस पे बहुत ज्यादा अच्छा, इसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है कि या तो ऐसा कर लिया जाए कि एक कम्युनिटी में जो है तमाम मसाजिद की बजाय एक बड़ी मस्जिद में अगर आजान दी जाए, जिससे बाकी कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको भी साथ लेकर और बोर्ड लेकर चलाया जाए कि इस मसले को किस तरह बेहतर तौर पर जो है हल आउट किया. क्योंकि जब सोनू निगम साहब डिबेट लेकर चले थे, तो उन्होंने कहा था कि जब आवाज था तो इस्लाम का, तो उसमें तो उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लाउड स्पीकर की तो आई थिंक सो 50 या 100 ईयर्स की हिस्ट्री, उससे पहले तो ये चीज मौजूद नहीं थी. लेकिन अगर इस मसले को हल किया जाए कि एक मस्जिद में ही अजान हो, और बाकी जिस तरह की बार बार अगर थोड़े थोड़े वक्त से अजान होती है, अगर उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए, कोई कमेटी हो या कोई इस तरह की चीज हो, तो इसे हम इस पे बगैर कॉन्ट्रोवर्सी में पड़े हुए हम जो है बाहर निकल सकते हैं और एक प्रोडक्टिव आउटकम. लेकिन उसके लिए हेल्दी माइंड्स का होना और हेल्दी डिबेट का होना बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है. हर वो चीज हम उसके असल मौजू को सोचे बगैर समझे बगैर, हमारे इस आज के वीडियो भी जब ये ऑन एयर जाएगा तो इस पे बहुत सी बैकलैश या कॉन्ट्रोवर्सी का भी होगी, लोग इसके ऊपर बोलेंगे भी. लेकिन उसकी बात ये नहीं है कि उस पर बात करना ही छोड़ दिया जाए. और एक और TV4 की मैनेजमेंट को एक और मुबारकबाद कि एक और अहम टॉपिक इस पर लाउड स्पीकर के ऊपर, हम एक शो हमने पहले भी किया था और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उससे पहले ऐसा शो नहीं था, और आज के एपिसोड भी इसी हवाले से एक अहम संगे मेल माइलस्टोन की हैसियत रखता है. तो इसके ऊपर मिल बैठकर जरूरत है, दूसरे कम्युनिटीज को साथ लेकर चलने की जरूरत है कि जिससे किसी को भी अनकन्वीनियंस ना हो और आजान भी हो जाए. बार बार मुख्तलिफ मसाजिद में अजान की बजाय अगर एक ही मरकजी मस्जिद में अजान हो, तो इस तरह अगर मिल बैठ के कर लिया जाए तो हमें बगैर कॉन्ट्रोवर्सी में पड़े. लेकिन चूंकि हमारा एक मिजाज हमारे सब कॉन्टिनेंट का भी बन चुका है कि हम रोज किसी कॉन्ट्रोवर्सी में किसी मुतनाजा बात के चक्कर में रहते हैं, तो हमारा मीडिया भी रहता है पैरेलल में, सोशल मीडिया भी रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्टेंट भी हमें मिल सके, एक ऐसी चीज भी मिल सके जिससे बहुत सारा बात हो सके, लेकिन प्रोडक्टिव चीज आउटकम उसमें नहीं निकलता. तो ये एक ऐसा इशू है जो आज बहुत ज्यादा वायरल हुआ उनकी ट्वीट को लेकर जावेद अख्तर साहब की. इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है कि किस तरह बेहतर अंदाज में हम इस मसले को हैंडल कर सकते हैं. तीसरे एक अहम चीज बहुत ज्यादा आजकल कोरोना वायरस, जिसने दुनिया के बहुत से देशों में मुल्कों में तकरीबन एक लंबा 4 से 6 वीक का जो है लॉकडाउन हुआ, बहुत से बिजनेसेस ने सफर किया, इकोनॉमीज ने सफर किया, टूरिज्म ने सफर किया, होटल इंडस्ट्री ने सफर किया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने सफर किया, तमाम रिटेल इंडस्ट्री ने, रिटेल सेक्टर्स ने, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, तमाम ही बहुत बंद रहे. और जिस और आप देखें कि वर्ल्ड वाइड केसेस जो है बिलियंस में जो है रिपोर्ट हुए,
डेथ टूल बहुत ज्यादा तमाम मुल्कों में बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक बढ़ा। यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा, तमाम देशों में ये, इंडिया में अब तक लॉकडाउन है और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी सेमी लॉकडाउन की सिचुएशन है। पाकिस्तान में कल तक जो रिपोर्टेड केसेस थे वो 34,366 केसेस जो थे रिपोर्ट हो चुके थे, और रिसेंटली 24 आवर्स में ही 31 डेथ्स मोर रिपोर्ट की गई, जिसमें सिंध में, कराची और सिंध में भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा अबतरी की तरफ जा रहे हैं। वहां पर भी जो है ये भी इतलात आ रही है कि डॉक्टर्स को, जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल्स में, उसको पंजाब में भी, बल्कि उनकी तनख्वाह भी काटी गई, और कराची में उन्हें वो इक्विपमेंट भी जो है नहीं दिया जा रहा। और बल्कि अक्सर ये भी एक नया स्कैंडल सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग जो कि वो उनको नहीं होता कोरोना वायरस, लेकिन उन्हें भी कोरोना वायरस के चक्कर में ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ 34 यानी कि 34,366 केसेस रिपोर्ट हुए, 31 डेथ्स जो है हुई है एक दिन में, और सिंध में एक दिन में 593 केसेस यानी नियर अबाउट 600 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। और उस पर कयामत यह है कि हमने ये देखा है, वो फुटेजेस देखे, वो वीडियोस देखे, वो पिक्चर्स देखे कि जब लॉकडाउन को नरम किया गया, जो लोगों ने किस तरह ब्रांडेड क्लोथ्स में, चाहे वो खाड़ी हो, सना सबीना हो, आसिम चोपा हो, रानी ईमान हो, मारिया बी हो, या दूसरे ब्रांड्स हो, तो उन्होंने इस क्रिटिकल मौके के ऊपर, जब इंसानी जान को इस कदर शरीर खतरा लाहक है, उन्होंने उसके ऊपर भी जो था कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन्होंने ईद की शॉपिंग को तरजीह दी। जब उन्हें मौका मिला तो ईद की शॉपिंग को तरजीह दी, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और हम अपनी तरजीहात को, हमारा जो मीडिया था वो भी प्रायोरिटाइज करना तयन करने में नाकाम रहा कि हमारी तरजीहात क्या है। हम गेम शोज चलते रहे, वहां पर बाइक्स के पीछे, मोबाइल फोन के पीछे हमने कॉम को लगाए रखा, और लेकिन जो है अब सारी चीज हुकूमत को या मीडिया को नहीं दी जा सकती, उसका ब्लेम नहीं दिया जा सकता, कुछ शऊर का मुजाहरा आवाम को भी करना चाहिए था। जाहिर बात है कि अब बैठकर पाकिस्तानी मीडिया को भी सोचना चाहिए कि उसकी तरजीहात क्या है। कोरोना वायरस से निपटना हमारी मेन तरजीहात में शामिल है, किस तरह अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। पहले तो दो बड़ी कैंपेन्स दुनिया में चली, स्टे होम स्टे सेफ की, फिर उसके बाद हैशटैग सोशल डिस्टेंसिंग की चली, लेकिन जिस तरह के हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो वो एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर केसेस के खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा भी पाकिस्तान में अब मौजूद है, और उस सब साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में भी हम खतरनाक पोजिशन में इस वक्त मौजूद है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह हम आउटकम जो है किया जा सकता है, हम किस तरह बेहतर अंदाज से इन मसाइल से निपट सकते हैं, और हुकूमत को भी हेल्प आउट कर सकते हैं, और सिविल सोसाइटी को भी आगे बढ़कर आने की जरूरत है। लेकिन हमारी सारी प्रायोरिटाइजेशन, हमारी तरजीहात जो है वो अर्तुगरुल गाजी के ऊपर है, अर्तुगरुल गाजी की चीजों को शेयर करें, वो ठीक है, एंटरटेनमेंट को भी एक अहम जगह है, लेकिन हमें इंसानी जान का बचाना एंटरटेनमेंट से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। तो हमें अपने तरजीहात के तयन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोरोना वायरस एक खतरनाक इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान में, और अवेयरनेस ना होने के बराबर है, और इसके ऊपर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐसे वीडियोस भी नजर नहीं आते। तो ये शो इस हवाले से एक जरूर माइलस्टोन, ताजा खबर जो कि स्टूडियो 4 TV4 के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, इससे पहले भी जो है शोज किए गए कोरोना वायरस के हवाले से, चाहे वो कनाडा या यूएसए की, यूके यूरोप की कंडीशन थी या इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन थी। तो ये वीडियो देखने के बाद, ये शो देख, हमारा ये शो ताजा खबर TV4 के प्लेटफॉर्म से देखने के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जरूर अवेयरनेस हासिल करेंगे, और मीडिया पर भी ये बात उठेगी कि सिर्फ रेटिंग की दौड़ में रहकर उन्होंने हर वो चीज, बल्कि मैं आज एक कहीं देख रहा था कि एक कोई अलावा लुटन साहब हैं, वो भी टीवी के ऊपर रमजान ट्रांसमिशन में नजर आ रहे हैं, वहां तो ये देखा जाता है कि जिसकी रेटिंग या जो जिसका क्लिप ज्यादा वायरल हुआ है, अगले दिन शो पर बिठा दिया जाता है, बुला दिया जाता है। तो हमें अपने तरजीहात का तायुन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ठीक है, गेम शोज भी आप जरूर उस पर खेलें, लेकिन आपको अब जो है कम से कम एक कैंपेन चलाने की जरूरत है, अवेयरनेस कैंपेन जो मीडिया के ऊपर भी चले, जो पैरेलल सोशल मीडिया के ऊपर भी चले, और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जरूरत है जिसमें अवेयरनेस क्रिएट किए जा सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथियों, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज की ताजा खबर की एपिसोड
आपको टीवी चार के प्लेटफॉर्म से गिम से कैसी लगी, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी जरूर पोस्ट जरूर आप कर सकते हैं। थैंक यू साइनिंग आउट योर होस्ट हमाद महमूद को इजाजत दीजिए ताजा खबर से। टीवी चार ऐसे ही जबरदस्त मजीद एपिसोड आपके सामने लाता रहेगा।